ये आरोप सर विपक्ष का नहीं है, ये आरोप सर आपके संगठन का ही है, आपके पार्टी का ही है कि वो आरोपी हैं। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटाला है सिंचाई घोटाला, जिसमें एनसीपी ने किया था और एनसीपी के उसमें अध्यक्ष थे अजीत पवार और शरद पवार जो उनके चाचा हैं। तो अजीत पवार को लेने का क्या मतलब है सर, जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? ये किसी विपक्ष ने नहीं, ये आपने लगाया, ये आपके संगठन ने लगाया, ये आपके पार्टी ने लगाया सर। ये आजादी के बाद 1951 में जनसंघ की स्थापना होती है और वही जनसंघ जो है एक संगठन का रूप लेती है और 1977 में जनता पार्टी का गठन होता है और भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। लेकिन ये संगठन कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाती है और ये विघटित हो जाती है। विघटित होने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और इसमें पहले आम चुनाव में मात्र 2 सांसद चुनकर आते हैं। तब भी इन पे मुसलमान विरोधी होने का ठप्पा लगा था, ये सुवर्णों की पार्टी कही जाती थी। और आज जो ये विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, और आज भी इन पर यही आरोप है कि ये मुस्लिम विरोधी होते हैं, ये अति पिछड़ा विरोधी होते हैं, ये सुवर्णों की पार्टी है। ये बात कहाँ तक सही है? ये कहीं ना कहीं भूत जो है ये बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी पीछे नहीं छोड़ रही है। इस बात में कितना दम है कि ये पार्टी जो है ये मुसलमान विरोधी है? क्या इनका जो लाभकारी योजना होता है क्या ये मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या ये केवल हिंदुओं के लिए है? क्या इससे मुसलमान लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या इससे मुसलमान वंचित हैं? क्या इससे अति पिछड़ा वंचित है? क्या इससे केवल स्वर्णों को ही लाभ मिल रहा है? इसी बात को रखने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष रविंद्र कुंवर जी, और ये हमारे सामने कुछ बात रखेंगे। मैं इनसे कुछ कड़वी बातें करूंगा, इसमें सीधी बात नो बकवास होगी, सारी बातें जो है कड़वी होंगी और सच्चाई वाली बातें होंगी, और इन्हें अपने बात को ध्यानपूर्वक रखना है, अपनी पार्टी की बात रखना है। जो इन पे आरोप लगते हैं ये उनको सही तरीके से जवाब देंगे। आइए बात करते हैं रविंद्र कुमार जी से, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये उपाध्यक्ष भी हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज। सर पहले आप अपना खुद परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, मैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने पार्टी का यानी भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष प्लस प्रवक्ता हूं। सर पहला सवाल, जो गोली की स्पीड से आपके सीने पर लगने वाली है, सबसे पहला आरोप है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है ये शुरू से ही इन पर आरोप लगता आ रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, ये बात कहाँ तक सही है सर? भारतीय जनता पार्टी न कभी मुसलमान विरोधी थी न है। भारतीय जनता पार्टी का सोच एक अलग सोच है जो अन्य पार्टियों से इसे अलग रखती है। भारतीय जनता पार्टी का सोच राष्ट्रवाद का सोच है और राष्ट्रवाद से ऊंचा कुछ भी नहीं होता। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी का सोच बहुत आगे ले जाता है। हमारी सोच से ही हमारी प्रगति है और मोदी जी का नेतृत्व जो है उनके नेतृत्व को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व सराहना कर रहा है। यानी कि इनका जो एक लाइन है कि सबका साथ सबका विकास, यानी ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि इनका वही मकसद है और ये उसी लाइन पे चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये मंत्र जो है बहुत दूर तक ले जाता है, ये सोच को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रोग्राम है उसे सभी लोग लाभान्वित हैं, चाहे वो हरिजन हो, बड़जन हो, बहुजन हो, मुस्लिम हो, यानी एक वर्ग भी वंचित नहीं है जिसे इसका लाभ नहीं मिलता हो। सर लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों में ये खौफ क्यों बैठा हुआ है कि ये मुसलमान विरोधी हैं, अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो ये हमें जो है रहने का अधिकार छीन जाएगा, हमें नागरिकता मांगा जाएगा, इस तरह के खौफ, इस तरह का डर जो है इनके मन में कौन पैदा कर रहा है इस संगठन के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती, कभी किसी को उत्पीड़न नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास केवल विकास में है और ये विकास के बहुत ऊंचाई तक ले जा रही है। ये तो विपक्ष का आरोप है, भाजपा का भूत आएगा तुम्हें खा जाएगा। भाजपा कभी किसी को खाया नहीं, भाजपा बल्कि बचाने का काम किया और सबसे बड़ी है अपने देश के
शाश्वत जो संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष के आंखों का किरकिरी बनती है। लेकिन सर ये विपक्ष का भी कहनाम है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं है, नहीं तो राशन का कोई लाभ मिल रहा है, ना उज्ज्वला का कोई लाभ मिल रहा है। लेकिन आपके संगठन का कहना है कि सबसे ज्यादा जो लाभ जो है राशन का या उज्ज्वला योजना का, सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा समाज और मुसलमान भाई बहन उठा रहे हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये विपक्ष का अफवाह है? देखिए, जो भी हिंदुस्तान में जो पिछड़ा तबका है, जो भी पिछड़े लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास करते हैं। हमारे मोदी जी का मिशन ही है कि गरीब को उत्थान किया जाए, और गरीब के उत्थान, पिछड़ों का उत्थान ही मेरा देश का उत्थान। रविंद्र जी, अगला सवाल गोली के स्पीड से। माननीय प्रधानमंत्री, या आपके संगठन का मणिपुर के मामले पर चुप्पी क्यों है? इस चुप्पी के क्या मायने हैं? जहां तक मालूम है कि पिछले 3.5 महीना से पूरा मणिपुर जल रहा है, कई सारे जो है मन को विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो भी आई हैं जिसमें औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, क्या इससे प्रधानमंत्री का मन विचलित नहीं होता? इससे इनसे उनको नारी जो सम्मान जो है जो ठेस उन्हें पहुंचता है, क्या इसके खिलाफ वो सख्त एक्शन नहीं ले सकते? क्या वो माननीय प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि वो मणिपुर की घटना पर कोई जो है सख्त एक्शन नहीं ले सकते? इस पे उनकी चुप्पी के क्या मायने हैं? देखिए, इस पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं, और कहने का मतलब कि सारा सिस्टम के वहां पर ध्यान है, ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी क्या मजबूरी है सर? सर इसमें डबल इंजन की सरकार है सर, वहाँ आपको स्टेट में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है? सरकार एक्शन ले रही है। जितने लोग जो नारी को प्रताड़ित किए हैं, प्रत्येक लोग पकड़े गए हैं, और जो छूटे हैं वो पकड़े जाएंगे, ये विश्वास रखना है। सर वहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया था कि ये मात्र एक घटना का वीडियो आया है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये तो बहुत ही विवादित बयान है, और ये बहुत ही मन को विचलित करने वाला बयान है कि वहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये तो एक वीडियो आया है, ऐसे कई सारी घटनाएं मणिपुर में पिछले 3 महीने में घटित हो चुकी है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मणिपुर का भौगोलिक स्थिति, वहां के रहन सहन, वहां के लोग, वहां के कबीलाई संस्कृति इस तरह से है, और आज के डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए जो मणिपुर में हो रहा है, उसको हम घोर निंदा करते हैं। चाहे किसी के साथ होता हो, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और वहां पर ये जो जातीय दंगा जो है उन्माद का रूप धारण कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वहां प्रशासन काम नहीं कर रही है, प्रशासन रात दिन काम करती है, लेकिन कहने का मतलब कि घटना करने वाले लोग वहाँ ऐसे सक्रिय हैं कि अब सवाल है कि हर जगह पर कहाँ कहाँ पुलिस नज़र रखेगी। तो पुलिस के आड़ में, प्रशासन के आड़ में घटना घटित हो जाता है। ये सरकार का माने विफलता नहीं मानना चाहिए, सरकार हर तरफ ध्यान रखती है, और जितने बुरे लोग हैं जो कानून के तोड़ने वाले हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, अब मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सब एक दिन जेल के सलाखों के अंदर होंगे। कानून किसी को माफ नहीं करेगी। एक तरफ हमारे बीजेपी संगठन पे ये भी तारीफ की बातें होती हैं कि इन्होंने कश्मीर से जो है हिंसा को हटा दिया, 370 कानून को हटाने के बाद कश्मीर में खुशहाली का माहौल है, सड़कें बन रही हैं, कॉलेज बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रही हैं, और एक तरफ जो है दूसरा कश्मीर तैयार हो रहा है। ऐसा विपक्ष का कहना है कि मणिपुर को दूसरा कश्मीर बनाने का तैयारी हो रहा है, जो काम नेहरू जी ने कश्मीर में किया था, जिससे पिछले 70 साल उसने भोगा, कश्मीर ने भोगा, वही काम मोदी जो है मणिपुर में करने वाले हैं, कि पिछले कई दिनों से हिंसाग्रस्त हैं और मोदी जी कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। चलिए, रविंद्र जी ने इस पर कुछ अच्छी बातें बोली कि उसकी कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसपे सरकार चाह कर भी उतना सख्त एक्शन नहीं ले पा रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। क्या बीजेपी कोई गंगोत्री है क्या, जिसमें कोई भी दागी आता है और गंगा की तरह विरल हो जाता है, साफ हो जाता है? कई सारे दागी मंत्री हैं, कई सारे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आपके संगठन में आते ही वो पाक साफ हो जाते हैं, वो गंगोत्री मैं गंगा की तरह विरल हो जाते हैं वो? जैसे मैं आपको इशारा कर दूं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में
पिछले दिन अजीत पवार पर जो है सिंचाई घोटाला लगा था 80,000 करोड़ रुपए का, और ठीक उनके शामिल होने से एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री ने उन पर तंज भी कसा था। वही एक हफ्ते बाद जो है अजीत पवार जो है आपके संगठन में शामिल होते हैं और डिप्टी सीएम भी बनते हैं, साथ में छगन भुजबल भी आते हैं जिन पे भ्रष्टाचार का कई सारे आरोप लगे हुए हैं, बड़े लेवल पे घोटाले का आरोप लगा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी में वो आते ही पाक साफ हो गए? क्या वो भगवान का अवतार हो गए? ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप अपने संगठन में, अपने पार्टी में या अपने गठबंधन में लेते क्यों हैं आप, जिन पे इतने सारे खतरनाक आरोप लगे हुए हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए संसद में कानून बनना चाहिए। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को किसी पार्टी को नहीं रखना चाहिए, और जो पार्टी खुद भ्रष्ट है, जो खुद भ्रष्टाचारी का प्रश्रय देती है, वो पार्टी पहली बात की आरोप लगाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन विपक्ष का धर्म अगर है आरोप लगाना, सर ये आरोप सर विपक्ष का नहीं है, ये आरोप सर आपके संगठन का ही है, आपके पार्टी का ही है कि वो आरोपी हैं। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटाला है सिंचाई घोटाला, जिसमें एनसीपी ने किया था, और एनसीपी उसमें अध्यक्ष थे अजीत पवार और शरद पवार जो उनके चाचा हैं। तो अजीत पवार को लेने का क्या मतलब है सर, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? ये किसी विपक्ष ने नहीं, ये आपने लगाया, ये आपके संगठन ने लगाया, ये आपके पार्टी ने लगाया सर। ये कहने का मतलब कि आरोप लगाना एक अलग बात है। जब बीजेपी उनके विपक्ष में थी, आरोप लगाया, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, या आरोप लगाया होगा। कहने का मतलब कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक आप उसको कुछ नहीं कह सकते, कानून भी उसको कुछ नहीं करती, तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आदमी दोषी नहीं होता। तो सर ये आरोप कौन सिद्ध करेगा? सर आपके पास ईडी है, सीबीआई है, ये आरोप तो आपको तय करना है ना, इस मैटर को जो है कोर्ट में लेकर आपको जाना है ना। तो अभी क्या किसी का चेहरा देखकर सीबीआई और ईडी को लगाते हैं क्या? ये चेहरा देखकर के सीबीआई और ईडी को नहीं लगाया जाता। जहां पर जरूरत होता है, जहां पर जरूरत होता है मैं रुकना चाहूंगा, जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर जरूरत होता है वहां पर लगाते हैं। यानी जहां लगा कि विपक्ष मजबूत है, उनको दबाना है, वहां पर लगा दीजिए, वहां जरूरत है। और जहां लगा कि हमारे फायदे का आदमी है, वहां पर सीबीआई ईडी को मना कर दीजिए, उनको बैक कर लीजिए। बहुत बड़ी बात बोला इन्होंने कि जहां जरूरत होता है पार्टी को, वहीं पर सीबीआई और ईडी को ये लोग लगाते हैं। सर अगला सवाल, क्या 2024 में भी बीजेपी को भगवान राम पार लगाएंगे या भगवान शंकर को उनको याद करना पड़ेगा? आप हमारी बात को समझ रहे होंगे सर, मैं कहां इशारा कर रहा हूं। भगवान राम का तो मैटर खत्म हो गया, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और लगभग बनकर तैयार भी हो गया है। 2024 के पहले महीने में यानी जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर जो उसकी तैयारी भी हो रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश भी करेगी। क्या भगवान राम पार लगाएंगे या फिर ज्ञानवापी का मुद्दा, काशी का मुद्दा भी को जोर शोर से, उसे जहां तक अभी मैटर जो है अभी कोर्ट में है और ये एएसआई का सर्वे भी चल रहा है, क्या इस मुद्दे को 2024 से पहले और उछाला जाएगा या भगवान राम के भरोसे ही आप 2024 में आएंगे? आप भगवान राम हो या कृष्ण हो या भगवान शिव हो, ये हमारे संस्कृति के कण कण से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति को अगर दुनिया मानती है तो मेरा रोल मॉडल हैं राम, कृष्ण और शिव। बाबर मस्जिद बनाया था, 528 साल का पुराना मैटर था, पुराना मुद्दा था, जिसको बीजेपी ने हल किया, इतना बड़ा साहस दिखाया। अगर ज्ञान वापी का मुद्दा है तो वो भी बीजेपी ही हल कर सकती है। अगर वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का अगर मुद्दा है तो वो बीजेपी ही हल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी कभी दंगाई पार्टी नहीं है। बीजेपी लड़ाने में विश्वास नहीं करती, बीजेपी कानून में विश्वास करती है। यहाँ कानून का राज होना चाहिए, यहाँ इंसाफ का राज होना चाहिए, यहाँ न्याय का राज होना चाहिए, और बीजेपी का सोच राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसलिए न कि ये किसी को तुष्टिकरण की नीति अपनाती है, ये इसका सोच ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आखिर हिंदुस्तान में कब तक हिंदू पीड़ित रहेंगे, हिंदू मानसिकता को कब तक कुंठित रखा जाएगा? तो राम और कृष्ण या फिर
शिव का मुद्दा हो, ये मेरा वास्तविक मुद्दा है और इससे कभी बीजेपी अलग नहीं जाएगी। मेरा सोच है कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार से काशी में भी ज्ञानवापी का भव्य मंदिर बनेगा भगवान शिव का, और तब हमारे हिंदू का, हमारे सनातन का, ये हमारे भारतीय संस्कृति का झंडा पूरे दुनिया में लहराएगा। भारत जगत गुरु था, है और फिर से बनेगा। यानी कि नंदिनी को इंसाफ मिलेगा, नंदिनी को इंसाफ मिलेगा, जो टकटकी निगाहों से भगवान शंकर को दीदार करने के लिए तरस रही थी उनको इंसाफ मिलेगा। इनका कहना है कि जितने भी मंदिरों का जो कल्याण है वो बीजेपी के राज में ही संभव है, अदरवाइज किसी के संभव में नहीं है। और ये बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और ये खास कर ये हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करेगी ये। और जो भी ये मैटर है, हो सकता है 2024 में कुछ दंगे भी देखने को मिले जैसा लग रहा है हमें, और ये मंदिर को मैटर जो है और ये उछाला जाएगा। ये चलिए देखते हैं 2024 में क्या होता है, कौन से मुद्दों पर बीजेपी आगे आएगी, कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगी। हिंदुत्व का मुद्दा होगा या कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा या कोई और मुद्दा।